क्या है मिनी निंजा मिनी कवर हाफ वाले आप देख सकते हैं रेड डेविल लुक भी दे दिया है सर बागबसर लगाने के बाद यहाँ भी विंग्स मिरर विद इंडिकेटर। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल राजू भाई एसकेडी और आज आप फ्रेंड्स आज हम आपके सामने लेके आए हैं मिनी निंजा नाम इसलिए दिया गया है इसको क्योंकि इसको लुक दे दी गई है मिनी निंजा की ग्रीन शेड और ब्लैक शेड के अंदर आप देख सकते हैं सारा ग्राफिक्स इसमें कलर करवा दिया गया है। वैसे तो इसको हम एक्सट्रीम 125 कहते हैं लेकिन आज हम इसको मिनी निंजा का नाम देते हैं। तो आज हम आपको इसमें बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या करवा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये नंबर प्लेट स्टैंड ताकि आपकी जो नंबर प्लेट भैया की यहाँ लगने दी अब यहाँ पे हमने लगा दिया गया है फ्रंट फिनिशिंग में 12 सिंगा शोकर प्रोटेक्शन फ्रॉक स्लाइडर। ये शोकर प्रोटेक्शन इसलिए लगा दिए जाते हैं आप देख सकते हैं लुक चेकआउट कर लो ये शोकर प्रोटेक्शन और फ्रॉक स्लाइडर इसलिए लगा दिए जाते हैं इसके मैं आपको बेनिफिट बताने देना चाहता हूँ। शोकर जो आपका शोकर प्रोटेक्टर लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपके शोकर रहें बिल्कुल सेफ। कई बार क्या होता है कि साइड से गाड़ी लगने के कारण कई बार हमारे जो बाइक के शोकर होते हैं वो लीकेज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया जाता है ये शोकर प्रोटेक्टर। साथ ही इसमें लगा दिए गए हैं यहाँ पे व्हील स्लाइडर इसको हम शोकर हम इसको फोक स्लाइडर भी बोल सकते हैं आप इसको फोक स्लाइडर हम इसलिए लगाते देते हैं ताकि इससे हमारी हो जाए डिस्प्लेट एंड इसका जो व्हील हो जाए इससे पूरा फुल्ली प्रोटेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। साथ ही इसमें हमने लगा दिए गए हैं इसमें लगवा दिए गए हैं व्हील कवर हाफ वाले जिसको हम हाफ वाले बोलते हैं आगे भी और आप पीछे भी देख सकते हैं यहाँ भी। इसका जो कॉम्बिनेशन है जो मैंने गाइस आपको पहले भी बताया था कि इसको हम मिनी निंजा कह के बुलाएंगे क्योंकि जो इसका ब्लैक और रियोन कलर जो इसका लुक दे रहा है ना उसी को ध्यान में रखते हुए व्हील भी इनके हमने व्हील कवर भी करवा दिए हैं रियोन। और इसके साथ ही हम यहाँ पर आ जाते हैं साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिए गए विंगलेट ये भी रियोन कलर में ही है जो कि आप इसको लुक चेकआउट कर सकते हैं थोड़ी दूर से आप देख सकते हैं इसकी लुक चेकआउट करने के बाद जो इसमें लुक आ रही है ना बहुत ही बेहतरीन आ रही है गाइस। साथ ही इसमें हमने लगा दिया गया वाइज़र के ऊपर विंगलेट जो आपको बता दी थी पहले भी वाइज़र भी लगा दिए गए और आप अब इसकी ना और साथ में आप देख सकते हैं इसको दे दिया हमने रेड डेविल लुक आप देख सकते हैं रेड डेविल लुक भी दे दिया है। अब आप गाइस इसकी एक बार पीछे से ना हमारे व्यूअर्स को ना इसकी लुक चेकआउट करा दो आप देख सकते हैं इसकी लुक कैसी लग रही है आपको डिसेंट फाड़ू ब्रस्टर बागबस्टर लगाने के बाद यहाँ भी कर दिया गया है इसको रियोन ये भी आप देख सकते हैं। और ये बागबस्टर ऐसे ही नहीं लगाए जाते इसलिए लगाए जाते ताकि इससे हमारा हैंड की सेफ्टी बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए हमारे हैंड पूरे हो जाते हैं बिल्कुल सेफ। कल को अगर गाड़ी वगैरह गिरती है तो बाई चांस अगर ये टूट जाए इससे हमारे हो जाते हैं हैंड सेफ हमारे हैंड बिल्कुल बच जाते हैं। कई बार अब सर्दी आने वाली है गाइस आप ध्यान देना यहाँ से छिलते सबसे ज़्यादा हमारे हैंड तो यहाँ से छिलने के बाद ना हम गाड़ी चला ही नहीं सकते फिर हमें पड़ जाता है बेड रेस्ट लेना 1 से 1.5 महीने के लिए। और साथ ही इसमें हमने लगा दिए गए हैं मिरर आप देख सकते हैं विंग्स मिरर विद इंडिकेटर ये दिखा देता हूँ विंग्स मिरर यहाँ पर आप लुक चेकआउट कर लो ये हमने आपको दिखा दिया है और ये मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से दिखा दो इसका व्यूमेंट भी काफ़ी अच्छा है जो इसके विदाउट इंडिकेटर वाले जो विंग्स मिरर लगते हैं उसका व्यूमेंट थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो वाले विंग्स मिरर थोड़े से छोटे हैं बट आप इसको देख सकते हैं ये इसका काफ़ी बड़ा शेप है इसका MG का मोबाइल होल्डर जो कि नॉन चार्जिंग का मोटो जीनियस ब्रांडिंग का आपको दे दिया जाता है। और साथ ही इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा हैज़ार्ड इसमें लगा दिया गया गाइज हैज़ार्ड जो कि आप देख सकते हैं 20 से 21 पैटर्न होते हैं गाइज सिमटेक का हैज़ार्ड सिस्टम दे दिया गया है इसमें जिसकी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है उसका आपको कार्ड बना के दिया जाता है टेबल रिप्लेसमेंट है 1 साल के अंदर कोई भी इसमें डिफेक्ट आता है तो आपका हैंड टू हैंड हैज़ार्ड चेक करके अगर वो ठीक होने वाला होगा तो ठीक करके दिया जाएगा अदरवाइज उसको हैंड टू हैंड चेंज करके दिया जाएगा। इसमें 20 से 21 पैटर्न दिए जाते हैं आप देख सकते हैं MG ब्रांडिंग का ही आउट लाइट लगा दी गई यहाँ भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 से 4 पैटर्न मिल जाते हैं ये दिखाना चाहता हूँ मैं इसकी पहले आपको ब्राइटनेस दिखाना चाहता हूँ ये येलो वाइट और ये आपको ब्लिंकर इसमें आपको गाइस 3 से 4 पैटर्न दे दिए जाते हैं। और साथ ही इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मेटल बटन लगा दिया जाता है ये आप देख सकते हैं ये मेटल बटन लगा दिया जाता है
और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें लगा दिया गया क्रैश गार्ड जो कि डबल स्लाइडर के साथ है विद प्रॉपर फिटिंग, ब्रेक पेडल एक्सटेंडेड, जिससे कि आपका आराम से शूज या पैर या चप्पल या कुछ भी आराम से इजीली आप इसमें रख सकते हैं। लगा दी जाती है गियर सॉक्स ताकि आपका जूता फटे ना, आप कभी भी गियर लगाते हैं इसके बिना लगाएंगे तो आपका जूता फटने का बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है आसानी, बट इसके बाद आपका जूता फटता नहीं है, बहुत हो जाता है, आपका जूता सेफ। लगा दिया जाता है हेला के ड्यूल हॉर्न, आपको इसका साउंड सुना देता हूँ जो कि काफ़ी ब्राइट है, दिखाना चाहता हूँ। ये लगा दी हमने सैडल से, आप यहाँ भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ में, साथ ही इसकी फिटिंग फिटमेंट इसलिए यहाँ पे दे दी जाती है ताकि आपका मजबूत हो जाए, कहीं नहीं हिलेगा, और ये भी प्रॉपर फिटमेंट है, कोई इसमें जुगाड़ नहीं है, सारा प्रॉपर फिटमेंट है। दे दिया जाता है लगेज कैरियर, जिसको हम अपनी भाषा में टॉप रैक भी बोलते हैं, आप यहाँ भी अपना कोई भी लगेज में कैरी कर सकते हैं। बुलाते हैं अब इस बाइक के ओनर को, तो उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, उनको हमारा काम कैसा लगा, तो जानते हैं उनसे, बुलाते हैं सर को। सर सर कैसे हैं आप, अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हैं बताएं। मेरा नाम देव है, मैं रोहिणी सेक्टर 4 से आया हूँ और मुझे यहाँ पे काम करा के बहुत अच्छा लगा। तो आपका ये एक्सपीरियंस आज का कैसा लगा है बाइक में, जो भी वर्क हुआ है तसल्ली बख्श हुआ, पहली बात तो मैं आपको खुद ही कहना चाहूँगा। आप सुबह कितने बजे आए थे? मैं सुबह 10:30 बजे आ गया हूँ यहाँ पे, देख लो सर हमारे पास 10:30 बजे आए थे और अभी आप टाइम देख सकते हैं नाना करते हुए 7:30 बजी रहे हैं। तो गाइज सबसे पहली बात, अगर आपको बाइक में अगर कुछ भी काम कराना, अगर तसल्ली से कराना है तो ही हमारे पास टाइम लेकर आएँ, अदरवाइज जल्दीबाजी करोगे तो उसमें देखो आपका भी नुकसान है, थोड़ा फिर हमारा भी इसमें नुकसान होता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कल को फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप हमें ही ब्लेम करते हो कि सर आपका काम ऐसा था आपका काम ऐसा। सबसे पहली चीज़ कि टाइम से टाइम निकाल कर आएँ आप, और टाइम से आएँगे तो टाइम से काम आपका जल्दी कर दिया जाएगा। तो सर हमारे व्यूवर्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं कहूँगा भाई, सभी भाइयों को कहूँगा यहाँ पे आओ एक बार, चांस दो भाइयों को, बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसी और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय श्री राम।